बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल श्री गुरु भगवान की जय, बोलो शाहपुर कंडी वाले महामंडलेश्वर गुरु महाराज की जय। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वती नमः। परम पूज्य परम श्रद्धे सतगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान की कृपा से ही सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ही हमें ज्ञान होता है कि असत्य क्या है और सत्य क्या है। सत्य वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, और असत्य ये सारा संसार है जो भी हम खुली आँखों के द्वारा देख रहे हैं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल एक वो ब्रह्म, वो परमात्मा सत्य है, बाकी सारा संसार मिथ्या है। इसलिए हमने उस ब्रह्म, उस परमात्मा का ध्यान करना है। जब तक हम सुमिरन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तब तक हम उस परिपूर्ण परमात्मा को पा नहीं सकते, ईश्वर तक पहुंच नहीं सकते। जितना हमारा लगाव इस संसार के साथ है, संसार की वस्तुओं के साथ है, उतना लगाव हमारा यद्यपि भजन सुमरण में हो जाए, तो वो परिपूर्ण परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा है वो हमें दिखे, वो परमात्मा हमें प्राप्त हो जाए। बाकी ये संसार ना किसी का हुआ है और ना ही किसी का हो सकता है। अज्ञानतावश मानव ये बात कहता है कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। जैसे एक फकीर थे, एक संत महात्मा तपस्वी थे, वो तप करने के लिए जंगल में बैठे थे। जब वो तप से उठे, उनका मन किया कि थोड़ा मैं संसार में भ्रमण करूं। वो भ्रमण करने के लिए निकले, चलते गए, चलते गए, चलते गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक धर्मशाला है जिस पर लिखा हुआ था विश्राम महल। वो उस विश्राम महल के अंदर प्रवेश करते हैं, पहरेदार सोया हुआ था, उसको देखकर आगे बढ़ते हैं। वो एक कमरा देखा उन्होंने, कमरे में एक बहुत बढ़िया बेड लगा हुआ है, पलंग लगा हुआ है, पलंग पर बहुत बढ़िया गद्दा चादर लगी हुई है, चादर के ऊपर फूल की पत्तियां बिछी हुई हैं। उसने सोचा कि चलो थोड़ा आराम करते, थके हुए हैं, तप से भी थोड़ी थकान हुई है और इतना भ्रमण किया, इतना चले हैं, उससे भी थकान हुई है, थोड़ा आराम करने के लिए वो लेटे तो उनकी आंख लग गई। उधर से जिस और अपने राजा का महल था, वो राजा वहां पर आया। राजा ने देखा कि पहरेदार सोया हुआ, उसको उठाया, अरे हम यहाँ पर विश्राम करने के लिए रोज आते हैं, ये विश्राम के लिए हमारे पूर्वजों ने महल बनाया हुआ है और तुझे हमने इसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए रखा है और तुम सोए हुए हो। वो पहरेदार कहता है, महाराज आंख लग गई। राजा साहब जब अपने कमरे में गए तो कमरे में देखा पलंग के ऊपर एक फकीर, एक महात्मा लेटा हुआ है। राजा ने कहा कि इसको उठाओ।
पहरेदार ने बड़ा प्रयास किया, उठ भाई उठ भाई, नहीं उठे वो फकीर बाबा संत महात्मा। अब राजा ने उठाया, राजा ने भी प्रयास किया, राजा के प्रयास के उपरांत भी वो नहीं उठे। फिर राजा ने डंडा पकड़ा, 1 2 3 4 5 डंडे लगाए। महात्मा उठे, राजा की तरफ देखा, मुस्कुराए और फिर लेट गए। राजा ने कहा, महात्मा तुम जाग रहे हो और 5 डंडे खाकर और तुम मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर फिर लेट जाते, उसका क्या कारण? महात्मा जी उठे, महात्मा जी ने कहा, राजा पहले मुझे ये बता कि ये महल किसने बनाया? कहते, ये मेरे पूर्वजों ने बनाया। महात्मा जी ने कहा, मान लो तुम्हारे परदादा ने बनाया। परदादा कहाँ है? कहते, वो तो चले गए। कहते, फिर उसके बाद कौन आया? कहते, हमारे दादाजी। वो कहाँ है? महात्मा जी ने कहा। कहते, वो भी चले गए। कहते, उसके बाद कौन आया? कहते, पिताजी। कहते, वो कहाँ? कहते, वो भी चले गए। कहते, उसके बाद कौन आया? कहते, मैं हूँ। कहते, तू भी चला जाएगा? महात्मा जी कहते, तुम्हारे परदादा ने महल बनाया, वो साथ लेकर नहीं गए। उसके बाद तुम्हारे दादा आए, वो साथ लेकर नहीं गए। तुम्हारे पिताजी आए, वो साथ लेकर नहीं गए। और अब तुम हो, तुम भी साथ लेकर नहीं जाओगे। यहाँ की वस्तु यहाँ पर रहेगी। ये जितनी भी वस्तुएं हम खुली आँखों के द्वारा देख रहे हैं, यहाँ से प्राप्त हुई हैं और यहाँ पर ही रहेंगी। हमारे साथ जाने वाली वस्तु केवल मात्र एक है, वो प्रभु का नाम है, भजन सिमरन है। हम इस संसार में भजन सिमरन करने के लिए आए हैं, नाम जपने के लिए आए हैं। आए थे जिस काम को, भूल गए वो बात, क्या मिलसी उस साहेब को जब खाली दोनों हाथ। अरे जिस काम को करने के लिए, भजन सिमरन करने के लिए आए थे, वो काम को भूल गए हैं और संसार के जंजालों में, संसार के बंधनों में फंसे हुए हैं। और जब हम इस 5 भौतिक शरीर को त्याग के जाएंगे, तो क्या मिलसी उस साहिब को, उस मालिक को क्या मुंह दिखाएंगे जब खाली दोनों हाथ। इसलिए इस संसार में कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, ये असत्य है, ये झूठ है संसार। सत्य केवल मात्र एक परमात्मा है। तो अपना मन, अपना ध्यान परमात्मा की तरफ जरूर लगाओ, परमात्मा का भजन सिमरन करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।